Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we were discussing about accounting equation and the effect of different business transaction on accounting equation. We will continue the same question which we started in the last lesson. Few transactions were dealt in the previous lesson, and we will excel the same question. Another, this was the final stage at which we left our question, that there were certain assets purchased by the business, and the final situation is this, that it is having cash $200,000, building $200,000, furniture $30,000, and stock $90,000. On the other hand, there is no liability as such as yet, but the capital, which was initially $500,000, has been increased by $20,000, and the final amount is $520,000. Here is the sixth business transaction. Mr. Chima purchased goods for $30,000 on credit. $30,000 की गुड्स परचेज की गई हैं क्रेडिट बेसिस पे. हम देखते हैं कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. हम देख रहे हैं कि जब $30,000 की एसेट्स परचेज की गई हैं, गुड्स परचेज की गई हैं, तो गुड्स जो हैं वो एसेट है, हमारा स्टॉक है. तो इसमें जो हमारे पास पहले से मौजूद स्टॉक $90,000 का था, उसमें फर्दर $30,000 की अमाउंट ऐड हो जाएगी. तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आएगी वो $120,000 की है. एट द सेम टाइम दिस अमाउंट डॉलर $30,000, दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन मेड ऑन द क्रेडिट बेसिस. एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो हम देख रहे हैं इसमें हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो $30,000 के साथ लायबिलिटी साइड पे इंक्रीज कर रहे हैं. तो इस तरह से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके ऊपर जो नेट इफेक्ट पड़ रहा है बोथ साइड्स पे, वो $30,000 का है कि $30,000 की अमाउंट बोथ साइड्स पे इंक्रीज कर रही है. हमारी जो एसेट साइड है उसके टोटल जो इस वक्त बन रहा है वो है जी $550,000, एंड सेम इज़ द अमाउंट ऑन द लायबिलिटीज साइड. हियर इज अनदर ट्रांजैक्शन. मिस्टर चीमा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग $50,000 फॉर $70,000 ऑन क्रेडिट. सेल की जा रही है बिजनेस के ऑनर की तरफ से, $70,000 की अर्निंग की है उसने, जो सेल की है उसकी अपनी कॉस्ट $50,000 थी, लेकिन ये सेल क्रेडिट बेसिस पर हुई है. हम देखते हैं कि बिजनेस इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पे इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है. तो $50,000 की कॉस्टिंग के साथ जो गुड्स सेल की गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि $50,000 जो है वो हमारे स्टॉक में से लेस हो गए हैं. तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है अब स्टॉक की, वो $70,000 की है. जबकि चूंकि ये सेल क्रेडिट बेसिस पे की जा रही है, इसमें कैश रिसीव नहीं हो रहा, बल्कि हमारे डेटर्स इंक्रीज कर रहे हैं. डेटर्स भी हमारे एसेट्स होते हैं, जो कि वो हमारे कस्टमर्स जिन्होंने हमसे क्रेडिट बेसिस पे उधार पे चीज़ें परचेज की होती हैं. तो इस तरह से हमारे जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं वो 70,000 के साथ इंक्रीज कर रहे हैं. तो इस तरह से एक और एसेट हमारे पास इंक्रीज कर रही है 70,000 के साथ. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 70,000 की अमाउंट हमने रिसीव की है या करनी है अभी, जो हमारे पास एक एसेट इंक्रीज कर गया है डेटर्स की सूरत में, इसके अपने ऊपर हमारा जो एक्सपेंस था वो 50,000 का था. तो ये जो नेट डिफरेंस है $20,000 का, ये हमारा प्रॉफिट है. और जब भी किसी बिजनेस को कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया जाता है. तो इस तरह से अब $520,000 हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल मौजूद है, उसमें $20,000 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट $540,000 हो जाएगी. तो इस तरह से जब ओवरऑल जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो ये है कि बोथ साइड्स पे $20,000 का एडिशन होने की वजह से हमारा सम टोटल एसेट साइड पर भी
$5,70,000 हो चुका हुआ है और सेम इज द अमाउंट ऑन लाइबिलिटी साइड एज वेल. हियर इज अनदर ट्रांजेक्शन. मिस्टर चीमा पेड हिज क्रेडिटर्स बाई $30,000. बिजनेस के ओनर ने $30,000 की जो हमारे अपने उसके क्रेडिटर्स थे उनको ये अमाउंट पे बैक किए. तो कैश से पे बैक किया तो इस तरह से कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है $30,000 के साथ. और एट द सेम टाइम ऑन द अदर साइड लाइबिलिटीज जो उसके ऊपर थी $30,000 की वो भी रिड्यूस हो रही हैं. तो इस तरह से अब उसके क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है वो निल हो चुका हुआ है जबकि कैश $30,000 रिडक्शन के बाद $1,70,000 हो चुकी हुई है. अगर हम देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो नेट इफेक्ट है तो इस दोनों साइडों पे $30,000 की रिडक्शन हुई है जिसके बाद बोथ साइड्स $5,40,000 के साथ इक्वल हो चुकी हुई हैं. हियर इज अनदर बिजनेस ट्रांजैक्शन. मिस्टर चीमा रिसीव्ड कैश $40,000 फ्रॉम डेटर्स. जो उधार पे चीज़ें बेची गई थी क्रेडिट बेसिस पे सेल आउट की गई थी उसमें से $40,000 जो है वो डेटर्स अब पे कर रहे हैं. इस पेमेंट के साथ कैश जो है वो $40,000 इंक्रीज कर रहा है. हम देख रहे हैं इस तरह से $1,70,000 हमारे पास पहले से कैश का बैलेंस मौजूद था. $40,000 उसमें मज़ीद हमें रिसीव हुई हैं. इस वक्त हमारे पास जो नेट बैलेंस है वो $2,10,000 हो चुका हुआ है जबकि डेटर्स जो थे हमारे जो हमें रिसीवेबल्स अमाउंट थी उसकी 70,000 की थी उसमें अब चूंकि 40,000 पे हो चुकी हुई हैं इस तरह से 40,000 उसमें से माइनस कर दी जाएंगी और जो अब हमारे डेटर्स का बैलेंस हमारे पास बचा है वो है $30,000. लेकिन इन चूंकि दोनों इफेक्ट सेम साइड पर हैं एक एसेट इंक्रीज़ की है और सेम अमाउंट के साथ एक एसेट डिक्रीज़ की है तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई नेट इफेक्ट नहीं है. बैलेंस दोनों साइडों पे $540,000 मौजूद है. हियर इज अनदर बिजनेस ट्रांजैक्शन. गुड्स कॉस्टिंग $25,000 वर लॉस्ट बाय फायर. $25,000 की वर्थ की जो स्टॉक था जो गुड्स थी वो आग लग जाने की वजह से ज़ाया हो गई हैं. ये पेपर ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस की था डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन को. ये एक पेपर ट्रांजैक्शन है तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर. हम देख रहे हैं कि $25,000 की अमाउंट की जो स्टॉक है वो ज़ाया हुआ है तो इस तरह से स्टॉक $25,000 के साथ रिड्यूस होगा. पहले हमारे पास $70,000 का बैलेंस मौजूद था $25,000 इसमें से जब रिड्यूस होगा तो हमारा बैलेंस जो स्टॉक कराया जाएगा वो $45,000 है. जबकि बिजनेस को जब भी कोई लॉस हो या जब भी किसी किस्म की किसी एसेट्स के ज़ाया हो जाने की वजह से नुकसान हो तो कैपिटल में भी उतनी अमाउंट के साथ रिडक्शन होती है. तो हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल हमारा $5,40,000 का था अब $25,000 रिडक्शन के बाद $5,15,000 रह गया हुआ है. तो इस तरह से जो नेट इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर वो दोनों साइडों पे $25,000 की रिडक्शन है. जो इससे पहले $5,40,000 से दोनों साइडों का बैलेंस अब वो रिड्यूस होके $5,15,000 रह गया है. हियर इज अनदर बिजनेस ट्रांजैक्शन. चीमा पेड सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई $7,000. मिस्टर चीमा ने सैलरीज पे की हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है $7,000 के साथ. तो चूंकि ये कैश की सूरत में पेमेंट की गई है तो कैश हमारी रिड्यूस हुई है $7,000. $2,10,000 हमारे पास पहले से बैलेंस मौजूद था $7,000 में से रिड्यूस हुआ है. जब अब हमारे पास जो बाकी बैलेंस बचा है वो $2,03,000 है. और जब भी कोई एक्सपेंस क्रिएट किया जाता है तो जाहिर है उस सूरत में हमने बात की थी कि वो कैपिटल से रिड्यूस कर दिया जाता है. तो दूसरी साइड पे जो लाइबिलिटी साइड पे अगर हम आएँ तो ये $7,000 जो हैं वो कैपिटल से रिड्यूस किए जाएंगे तो बैलेंस जो बाकी बचेगा वो $5,08,000 है. और यही हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइडें $7,000 के साथ
रिड्यूस हुई हैं और जो बैलेंस दोनों साइडों पे बाकी बचा है वो है 5,08,000 डॉलर। हेयर इज अनदर ट्रांजेक्शन, दिस इज फाइनल ट्रांजेक्शन दैट मिस्टर चीमा टुक अ बैंक लोन $50,000 फॉर हिज बिजनेस नीड्स। मिस्टर चीमा ने $50,000 का बैंक लोन लिया है बिजनेस के लिए। इसका क्या इफेक्ट होगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे? $50,000 लोन लेने की सूरत में $50,000 की कैश बिजनेस के अंदर आई है, तो बिजनेस के अंदर जो पहले से मौजूद कैश थी उसमें ये एडिशन होगी। $2,03,000 पहले मौजूद थे, $50,000 ऐड होने के बाद अब हमारा बैलेंस जो हमारे पास मौजूद है वो $2,53,000 है। जबकि लाइबिलिटीज साइड पर अगर हम देखें तो ये $50,000 का लोन है, तो ये क्रेडिटर्स की सूरत में हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो $50,000 की अब लाइबिलिटी साइड पे हम मेंशन करेंगे एडिशन लाइबिलिटी का। तो नेट इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का ये होगा कि दोनों साइडों पे $50,000 की एडिशन होगी और इस तरह से जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका फाइनल बैलेंस $5,58,000 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक और कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे।